Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिप केयर रूटीन इन विंटर. विंटर में लिप काफ़ी ज़्यादा चैप्ड एंड ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी फटने लगती है. तो आप अपनी लिप को कैसे मॉइस्चराइज रख सकते हो एंड सॉफ्ट बना के रख सकते हो, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. एंड पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत. ये मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. लिप केयर का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपने लिपस्टिक को निकालना, रिमूव करना. या गाइस, आप अपनी लिपस्टिक को रिमूव करोगे तो ही आगे का स्टेप आप कंटिन्यू कर सकते हो. तो मैं यहाँ लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए एलोवेरा का जेल ले रही हूँ. मैं ये पतंजलि एलोवेरा ले रही हूँ, आप दूसरा एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो. तो थोड़ा सा एलोवेरा का जेल लेना है एंड अपने लिप पे इस तरह से आपको लगा लेना है. एलोवेरा जेल इसलिए क्योंकि ये आपके लिप को हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइज भी करेगा. तो इस तरह से आप अपने लिप पे एलोवेरा का जेल इस तरह से अप्लाई कर ले. एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा कॉटन का बॉल लेना है एंड अपने लिप पे रख के सारे लिपस्टिक को रिमूव कर लेना है. तो आप अपने लिप पे रख के इस तरह से आप पोंछ सकते हो. तो इस बहुत ही ईजीली तरीके से आपके सारे लिपस्टिक जो हैं बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा एंड आपका लिप बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा. तो आप एलोवेरा जेल आपके लिप को हाइड्रेट भी करेगा एंड सॉफ्ट भी बना के रखेगा. तो आप देख सकते हो मेरे लिप पे जितने भी सारे लिपस्टिक थे वो कितने अच्छे से रिमूव हो गया है एंड बिल्कुल भी लिपस्टिक लगा हुआ नहीं है. तो अब मैं स्टार्ट करूंगी लिप केयर का सेकेंड स्टेप, जो कि है लिप को स्क्रब करना, लिप का स्क्रबिंग. या गाइस, तो मैं यहाँ स्क्रब के लिए एक पीसी हुई एक चम्मच चीनी ले रही हूँ शुगर एंड फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा का जेल. आपको चीनी एंड एलोवेरा का जेल इस तरह से मिक्स कर लेना है एंड अपने लिप पे करना है स्क्रब. स्क्रब करने से होता क्या है, आपके जितने भी लिप पे डेड सेल्स होते हैं एंड पिगमेंटेशन वगैरह की अगर प्रॉब्लम है, लिप बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो आप हफ्ते में दो दिन अगर लिप का भी स्क्रब करोगे तो आपकी लिप काफ़ी ज़्यादा लाइटन अप होगा एंड साथ में आपका लिप मॉइस्चराइज भी एंड हाइड्रेशन भी रहेगा. तो आपकी लिप काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी एंड सॉफ्ट लगेगा. तो आपको इस तरह से दो मिनट के लिए स्क्रब कर लेना एंड फिर कॉटन के बॉल से आपको इसको पोंछ लेना है. तो थर्ड स्टेप में मैं यहाँ ले रही हूँ लिप मास बना रही हूँ एंड लिप मास बनाने के लिए मैं थोड़ी सी ले रही हूँ टर्मरिक एंड फिर उसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा का जेल एंड इन दोनों को कर देंगे हम मिक्स. टर्मरिक हम फेस पे तो लगाते ही हैं बट आप लिप पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो. लिप पे लगाने से आपकी डार्कनेस जो होता है वो रिड्यूस होगा, आपका लिप काफ़ी ज़्यादा लाइट करेगा. लिप पे लगाने से टर्मरिक में विटामिन सी होती है तो ये आपके पिगमेंटेशन जो हो जाता है लिप पे उसको ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा एंड आपका लिप काफ़ी ज़्यादा लाइट लगेगा एंड मॉइस्चराइज भी रहेगा इसमें, क्योंकि मैं इसमें एलोवेरा ऐड की हूँ. तो आपका लिप हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज भी रहेगा, साथ में टर्मरिक ऐड की हूँ तो टर्मरिक आपके डार्क लिप को लाइट बनाएगा. तो आप इस तरह से अप्लाई कर लें लिप मास्क को एंड 5 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, आपको बोलना नहीं है. तो मेरे 5 मिनट्स कंप्लीट हो गया एंड मैं फिर से एक कॉटन का बॉल लूँगी एंड उससे अपने लिप को कर लूँगी सारे मास्क को रिमूव. यू कैन सी गाइस, आप लोग देख सकते हो लिप कितना ज़्यादा प्लम्पी एंड लाइट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग भी दे रहा है. तो उसके बाद मैं फोर्थ स्टेप में करूँगी लिप को मॉइस्चराइज. या गाइस, इतने सारे स्क्रब मास्क अप्लाई की हूँ तो लिप को मॉइस्चराइज भी करना बनता है. तो आप लिप मॉइस्चराइजर के लिए भी एलोवेरा का जेल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने लिप पे एंड उससे भी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होता है, आपकी लिप हाइड्रेट रहेगी एंड सॉफ्ट रहेगी, प्लम्पी रहेगी. एलोवेरा है तो आपकी लिप को काफ़ी ज़्यादा लाइट भी बनाएगा. तो अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं कर सकते हैं तो एलोवेरा का लिप बम भी आप अप्लाई कर सकते हो. ये है सनी हर्बल का एलोवेरा लिप बम. या गाइस, ये एलोवेरा भी है इसमें, तो ये आपकी लिप को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा एंड बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रखता है. तो
तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों को अगर ये लिप बम अगर लेना है तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मुझे ये लिप बम बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड आप एलोवेरा है तो इसमें ये आपके लिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अब मेरी लिप को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेट रखता है तो मेरा लिप इससे चैप्ड नहीं होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, मॉइस्चराइज रहता है। आई होप गाइस मेरी ये लिप केयर रूटीन आप लोगों को पसंद आई हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय।